स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू पहल क्लासेस। तो प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आप सबको पता है, हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हमने दो डेरिवेशंस देखे, जिसमें एक बार एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, दूसरे बार हमें इक्वेटोरियल पे निकालना था। दोनों के फॉर्मूले हमें आने चाहिए kp2kp/r³ and -kp/r³। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में हमने स्टडी की प्रीवियस बार। तो आज हम डाइपोल को ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखने वाले हैं हम, जिसे हम बोलते हैं डाइपोल पे कितना टॉर्क लगेगा। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हमारी स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम उससे रिलेटेड गॉस लॉ एंड उससे रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हम करने वाले हैं, गॉस थ्योरम और उससे रिलेटेड डेरिवेशंस हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम। देखो बेटा, मान लेते हैं हम कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे अवेलेबल ई, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है, अगेन -q + q, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, हमारे पास में डाइपोल रखा हुआ है। अब देखो, हम बात करें कि डाइपोल पे फोर्स कितना लगेगा नेट। तो देखो, किसी भी क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो फोर्स लगता है वो प्लस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगता है और माइनस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा क्यू ही। माइनस एक्चुअल में डायरेक्शन के लिए काम में आता है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों पे सेम है। तो कोई मुझसे पूछे कि एफ नेट बताओ डाइपोल पे कितना है बेटा, तो देखो एफ नेट आ जाएगा क्यू ई माइनस प्लस माइनस क्यू ई, दोनों की वजह से लग रहा है बेटा, तो ये किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। तो हम देख सकते हैं किसी भी डाइपोल पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, सॉरी नेट फोर्स जो आ रहा है वो किसके बराबर आ जाता है, जीरो के बराबर। बट हम देखते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि दो फोर्स जब इस तरह एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक लाइन और फोर्स पे एक्ट करते हैं, किसी लाइन पे एक्ट करते हैं, तो वो एक टॉर्क जनरेट करते हैं। ठीक है बेटा, फोर्स कपल बनाते हैं और टॉर्क जनरेट करते हैं। तो हम एक्चुअल में इंटरेस्टेड हैं कि इसको थोड़ा सा यदि मूव किया जाए तो ये क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा इस तरह से, इस तरह से रोटेट करेगा। तो देखो, रोटेट करेगा तो हम थोड़ा सा ट्विस्ट भी देंगे तो ये घूमने लगेगा। तो घूमेगा ये, तो घूम रहा है किस वजह से, जैसे ही घूमना आया तो क्या पिक्चर में आ गया, टॉर्क पिक्चर में आ गया हमारे पास यहाँ पे। तो टॉर्क हमें निकालना है इस डाइपोल पे, हमें ये फाइंड करना है कि इस पे टॉर्क कितना लगने वाला है। तो आइए करते हैं शुरू। हमें पता है थोड़ा सा बेसिक, हम 11 से लेंगे यहाँ पे उधार। तो देखिए बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, है ना। तो देखो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, बताए हमें, ये हो जाएगा फोर्स, जो वैल्यू होती है दैट इज फोर्स मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो ये बेटा टॉर्क का फॉर्मूला हो जाता है। देखो हम क्या बोलते हैं, यदि अगेन इन दोनों के बीच की दूरी में 2a मान लेता हूं बेटा, तो इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों फोर्स के बीच की, ये एंगल ही थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो देखो, हम इस ट्राइंगल से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको हम r बोल देते हैं, तो r अपॉन 2a। तो यहां से साफ पता चल रहा है r will be equal to 2a sin theta। Is that clear to everyone? तो देखो बेटा, यहां पे वैल्यूज रख देंगे हमारे पास में, तो फोर्स की वैल्यू है qe, ठीक है, और यहां पे है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहां पे मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a sin theta। तो देखो यहाँ पे क्या रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, इसे q इंटू 2a को पास में रख लेंगे हम, इंटू e साइन थीटा लिख देंगे यहाँ पे। तो देखो क्या ये p वेक्टर हो गया, डाइपोल मोमेंट जो हमने थोड़ा टाइम पहले डिफाइन किया था। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला आ गया बेटा, p क्रॉस e, p इंटू e साइन थीटा। तो देखो क्या जाना माना फॉर्मूला लग रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट यही होता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में P क्रॉस E। तो ये फॉर्मूला आ गया क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में बेटा, यहाँ पे जो नॉर्मल ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का साइन है। तो P क्रॉस E को मैग्नीट्यूड क्या होगा टॉर्क का, टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा P E sin थीटा। तो
तो ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो जाएगा इनटू एन कैप। ऑब्वियसली डायरेक्शन किधर होगी टॉर्क की, पी और ई दोनों के परपेंडिकुलर में रहेगा टॉर्क की डायरेक्शन। तो देखो बेटा कुछ और बातें कर ली इस टॉर्क के बारे में, मुझे बताओ मैक्सिमम टॉर्क कितना रहेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगी, थीटा मैक्स साइन थीटा मैक्सिमम। तो साइन थीटा मैक्सिमम होता है थीटा बराबर 90 डिग्री पे। तो देखिए टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा पी इंटू ई, पी ई। फिर से देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मिनिमम कब होगा टॉर्क, अगेन मिनिमम हमें पता है साइन थीटा मिनिमम होगा और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है माइनस वन, और माइनस वन साइन थीटा कब हो जाता है, ठीक है साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन होने वाली है। साइन थीटा देखिए जीरो तो पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल पे माइनस वन हो जाता है, तो उस केस में टाउ की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, जब माइनस वन होगा तो माइनस पी। तो ये टॉर्क की मिनिमम वैल्यू है और वो टॉर्क की कैसी वैल्यू है मैक्सिमम, हमें ध्यान में रखनी है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू टॉर्क की क्या है, टॉर्क फॉर्मूला किससे निकालते हैं। हमारे इवन काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी है इस प्रॉब्लम पे बेस्ड, जिसमें हमें डाइपोल का चार्ज दे दिया जाएगा तो पहले हमें बेटा पी निकालना पड़ेगा, पी क्या होता है क्यू इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, और ई दिया रहेगा और थीटा एंगल दिया रहेगा, उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं टॉर्क फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप सभी को ये समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन, ध्यान में रखना है हमें, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछे जाए तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन पे बेसिस पे होते हैं, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की शुरुआत करेंगे इसमें अब, ठीक है। तो देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करने वाले हैं। तो छोटा सा टॉपिक है एक्चुअल में, गॉस थ्योरम हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगी, उससे रिलेटेड डेरिवेशन आते हैं तो वो हम देखेंगे अच्छे से। पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो देखो क्या होता है बेटा, जब कभी हमने सुना होगा कि कोई किसी इलेक्ट्रिक वायर को टच करता है तो उसे शॉक लगता है, उसे झटका लगता है। तो ये झटका लगा किसकी वजह से, तो एक्चुअल में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी को कैरी करता है। किसको एनर्जी करता है, कैरी करता है बेटा एनर्जी को। तो और हमें ये भी पता है, अभी नहीं भी आपने पढ़ लिया है वैसे तो रिवीजन चल रहा है तो आपको पता होगा ही डेफिनेटली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो क्या दो कंपोनेंट से मिलके बनती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दो फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होके क्या बनाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किसके कॉम्बिनेशन से बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। क्या वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, डेफिनेटली एनर्जी होती है। तो क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कैरी करते हैं, आंसर यस है। तो हमारा सबसे पहला बेसिक ऑब्जर्वेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या कैरी करते हैं, एनर्जी को लेके जाते हैं एक से दूसरी जगह। तो इलेक्ट्रिक सिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज है बेटा तो एनर्जी को लेके जा रहे हैं एक से दूसरी जगह। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है बेटा स्केलर क्वांटिटी है, इसे फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब देखो फाई जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो बता किसको रहा है, जैसा कि मैंने बताया ये एक्चुअल में बताता है एनर्जी के मेजरमेंट को, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें सिमिलर, जो बात हम यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए करेंगे सेम इज ट्रू फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, बट इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक वर्ड यूज हो जाएगा वहां पे। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा बेटा उसमें क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी बेसिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी है उसका मेजरमेंट कौन बताता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जिस तरह डिफाइन बुक में किया गया है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस किसको बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बताती है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया या पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इट गिव्स दस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर क्या बोल देते हैं बेटा हम इलेक्ट्रिक एनर्जी एरिया से कितनी जा रही है उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हैं। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं बेटा। देखो मान लो यहाँ पे एक दरवाजा है और मैं क्या हूं, एनर्जी हूं, मैं इस दरवाजे से क्रॉस करूंगा तो क्या पूरी एनर्जी वहां से चलेगी, देखो एनर्जी क्रॉस हो गई दरवाजे से। अब देखो क्या है, मान लो कि मैं फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एनर्जी हूं, यहाँ पे दरवाजा यदि मैं छोटा कर दूं तो बताओ क्या पूरे तरह से एनर्जी क्रॉस कर पाएगी यहां से, नहीं। यदि दरवाजा बड़ा था उससे जितनी एनर्जी क्रॉस कर रही थी उतनी एनर्जी छोटे दरवाजे से तो क्रॉस नहीं करेगी, मैं पूरा क्रॉस नहीं कर पाऊंगा इससे। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, एरिया पे। आया समझ,
कि ये छोटा दरवाजा बन गया, आप ज्यादा नहीं जा पा रहा, बड़ा दरवाजा तो आराम से क्रॉस कर जाऊंगा। दूसरा देखो, क्या एनर्जी पे खुद पे डिपेंड कर रहा है? मान लो इतना बड़ा है दरवाजा तो, लेकिन एनर्जी बहुत छोटी सी है, तो वो क्या बहुत आसानी से निकल जाएगी? और इतना बड़ा दरवाजा तो क्या इतनी एनर्जी भी निकल जाएगी उससे? बिल्कुल निकल जाएगी। तो क्या ये इस पे भी डिपेंड कर रहा है निकलने वाली एनर्जी कितनी है? और एनर्जी कौन बता रहा है? मैंने आपको बताया अभी, इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है एनर्जी को। तो 5 इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब दूसरी बात देखो, दरवाजा तो सामने है बट एनर्जी ऐसे होके जा रही है, क्या पूरी एनर्जी दरवाजे से निकल पाएगी? थोड़ी बहुत ही निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत ही निकलेगी। देखो जब बिल्कुल सीधा है तो पूरी एनर्जी निकलेगी, और यदि ऐसे हो जाए, दरवाजा तो यहां है और एनर्जी इधर से जा रही है, बताओ उस दरवाजे से क्या जाएगी? जीरो एनर्जी जाएगी। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है cos थीटा के लिए। तो phi इज प्रोपोर्शनल टू cos थीटा हमारा। तो देखो इन सब फैक्टर्स को मिला के phi का जो फॉर्मूला दिया गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है 1 के बराबर, तो मैं उसे नहीं ले रहा हूं, ea cos थीटा। और आपको पता ही होगा ये जाना माना फॉर्मूला है हमारे सामने, दिस कैन बी रिटन एज e डॉट a। तो क्या फॉर्मूला हो गया फ्लक्स का हमारे पास में? E dot A, this is the formula of calculating the flux। हमें electric flux निकालना हो तो E dot A, हमें पता है dot product है ये, यहाँ पे dot क्या represent कर रहा है? Dot product। तो dot product कैसे निकालते हैं बेटा दो का? Magnitude of E, magnitude of A into cos of theta। तो देखो बेटा यहाँ पे ये तो हो गया जब हमारे पास में बेटा normal है, electric field और area वगैरह constant type से ज्यादा vary नहीं कर रहे हैं, और यदि इनमें से कोई भी variable है तो हम इसको इस तरह calculate करते हैं, we can write d phi is equal to E dot dA। What is dA? dA is a surface vector और है area vector बेटा, small area vector। यहाँ पे भी A area vector है। अच्छा मैं आपको बता देता हूँ बेटा, area जो vector quantity, इसकी direction किधर होगी? Perpendicular to the हमारा surface lines के बेटा, जो रहेगी surface इससे बनेगी। हमारे पास में area vector direction perpendicular होगी। जैसे मान लो square है, तो इसका area vector या तो perpendicular है, इसके perpendicular पीछे की तरफ रहेगा। मान लो ये तो ओपन सरफेस की बात होगी, परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन के। क्लोज सरफेस के केस में क्या होगा? मैं एक स्क्वायर, एक क्यूब लेके आपको समझा देता हूं। क्लोज सरफेस के केस में डायरेक्शन कैसे होगी? तो देखो बेटा, इसके लिए ध्यान में रखना है आपको कि क्लोज सरफेस जब होगी तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एट ईच सरफेस, सरफेस के किसी भी जगह पे आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगी। किस तरफ होगी? आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ। तो देखो ये फेस देखो, यहां पे ये सरफेस देखो, क्लोज सरफेस के फर्स्ट एक सरफेस, इसका आउटवर्ड नॉर्मल किधर होगा? इस तरफ। तो इसके लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, इसके लिए ऊपर की तरफ देखो हो जाएगा, इसके लिए इस तरफ, ये आउटवर्ड नॉर्मल हुई। लोअर फेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल इधर हो गई, ठीक है बेटा। और इस तरफ के लिए, बाहर वाले फेस के लिए उधर की तरफ बाहर जाता हुआ, और अंदर वाले फेस के लिए उस तरफ बाहर जाता हुआ। तो क्या हम एक पूरे रूम के लिए एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं डिफरेंट सरफेसेस के लिए? बिल्कुल बता सकते हैं हम। तो इस तरह से याद रखना है, क्लोज सरफेस है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? आउटवर्ड नॉर्मल। और ओपन सरफेस है तो क्या हो जाएगी? ओपन के लिए हो जाएगी परपेंडिकुलर टू प्लेन। ये ध्यान में रखना है बेटा बस हमें। तो हम आराम से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बता देंगे और यहाँ पे हम यूज ले सकते हैं। तो देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो फाइव बराबर क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ई डॉट डी ए। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द फाइव। तो ये जनरल फॉर्मूला हम ध्यान में रखते हैं फ्लक्स कैलकुलेट करने का। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस तो बहुत सारे होते हैं, ऑब्वियसली हम करना चाहे तो देखो किस तरह से। एक क्वेश्चन में बता देता हूँ एग्जांपल किस तरह का आ सकता है। मान लो एक लूप रखा हुआ है यहाँ पे इस तरह से प्लेन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो कोई मुझे बताएगा फ्लक्स कितना है इससे? देखो बेटा फॉर्मूला यूज करेंगे ई डॉट डी ए। तो क्या ई डॉट ए सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है? तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए मुझे ऑब्वियसली। तो देखो बेटा ई इधर है, ये प्लेन में इस तरह रखी हुई है डिस्क, तो एरिया वेक्टर क्या प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? तो एरिया वेक्टर ऐसे बाहर निकलते हुए होगा इस प्लेन से बेटा। तो देखो ई ई इस तरफ है, सॉरी एरिया वेक्टर इस तरफ है, ई इस तरफ, क्या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है? तो बताओ थीटा बराबर क्या है? 90 डिग्री। थीटा किसके बराबर है? 90 डिग्री के। इसलिए फाई भी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि cos 90 कितना होता है? 0 ही तो होता है। तो देखो थीटा बराबर 0, फाई थीटा 90 है, तो फ्लक्स कितना आ गया? 0 आ गया। तो इस तरह से बेटा सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो बहुत इजी सवाल होता है इस तरह से, हमें डायरेक्शन बस डिफाइन करनी है एरिया वेक्टर की।
तो जो तरीका मैंने बताया आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का, उससे हम बहुत आसानी से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, वापस रिपीट कर रहा हूं, ओपन सरफेस के लिए प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और क्लोज सरफेस में आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ होगी। ओपन सरफेस का मतलब जनरली 2D फिगर जितने भी होंगे हमारे पास वो ओपन होंगे, और 3D में जो आ जाएंगे उनको हम किस तरह ट्रीट करेंगे, क्लोज की तरह ट्रीट करेंगे। यहाँ पे छोटा सा डायग्राम ले लेता हूँ मैं। देखो हमारा सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर क्या 3D टाइप से होता है, तो इसकी तीन सरफेस मेजर हो गई। एक ये सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, आउटवर्ड नॉर्मल इधर है, इसके लिए देखो इससे ऐसे रहेगा, आउटवर्ड नॉर्मल इधर की तरफ होगी। इसी तरह यहाँ पे एक सर्कल है, तो आउटवर्ड नॉर्मल इसका दूसरी फेस का इधर की तरफ होगा एरिया वेक्टर। अब एक बीच की बेटा कर्व सरफेस ऐसी वाली, तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल किसी भी पॉइंट पे हम देखेंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ ले सकते हैं, तो एरिया वेक्टर इसका किधर हो जाएगा, ऐसे ऊपर हर पॉइंट पे बाहर निकलता हुआ होगा। तो इसको हम इस तरह डिनोट करते हैं और इन दोनों का इस तरह से रहता है बेटा। तो इस तरह से हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बनानी हमें आनी चाहिए, ताकि हम आगे गॉस लॉ, जो गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे, उसमें हम अच्छे से इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है, अब हम आगे शुरू करेंगे गॉस लॉ। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, गॉस लॉ और गॉस थ्योरम। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, सिंपल स्टेटमेंट दिया, क्या दिया गया कि जो फाई होगा फ्रॉम अ क्लोज सरफेस, दिस लॉ इज वैलिड फॉर अ क्लोज सरफेस। ये किसके लिए वैलिड है, पहले तो ध्यान में रहना चाहिए बेटा, क्लोज सरफेस के लिए। हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं बट अभी नहीं करेंगे, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो फाई इज इक्वल टू, हमें क्या बोला गया, दैट इज इक्वल टू क्यू इन साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज दिस क्यू इन, ये है बेटा किसी भी क्लोज सरफेस में कितना टोटल चार्ज इंक्लोज्ड है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है बेटा ऑब्वियसली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो तो फाई को बेटा इस तरह डिफाइन किया गया, गॉस लॉ का मेन स्टेटमेंट तो ये है, एक्चुअल में गॉस लॉ मेनली यूज आता है, इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और काफी आसान हो जाता है। तो हम इसको फाई को, तुम्हें पता है बेटा सबको, अभी प्रीवियस बार डिस्कस किया, ए डॉट डी ए लिख सकते हैं, तो क्या ये भी बराबर हो गया क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो इस तरह से हम इस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इस क्यू इन का मतलब क्या है, छोटा सा देखते हैं। मान लो कि ये क्लोज सरफेस है कोई भी, दिस इज अ क्लोज सरफेस, कोई भी स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। मान लो इसमें एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, मान लो 2q चार्ज रखा हुआ है, एक चार्ज 3q रखा हुआ है, एक चार्ज माइनस, ठीक है, 4q रखा हुआ है, मान लो इसे रखे हुए। तो बताओ नेट क्यू इनसाइड कितना है हमारे पास में, दैट इज इक्वल टू 3 + 2 - 4 एंड दैट इज 1 कूलम, ठीक है, 1q मान लो क्यू के बराबर ही आ गया वो। तो बताओ बेटा फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड टोटल कितना है क्यू, तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो देखो एक से ज्यादा चार्ज भी है अंदर में, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको सबको सम करके हम नेट चार्ज इनसाइड कितना है वो निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर जो है टोटल चार्ज जितना है, तो उससे जाने वाला फ्लक्स हम निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें ध्यान में रखना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब देखो बेटा गॉस लॉ की हेल्प से हम बहुत सारे डेरिवेशंस करते हैं, गॉस थ्योरम की हेल्प से हमें काम कहाँ आती है, ये हम डेरिवेशंस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, हम डेरिवेशन करके वैल्यूज निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमें डेरिवेशन करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई डेरिवेशन करेंगे हम बेटा एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं इमेजिनरी, जिसे क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। अब देखो क्या हो गया, सरफेस जनरली कैसी होती है बेटा, हम हमारे पर्पस से सिमेट्रिकल सरफेसेस लेते हैं। सिमेट्रिकल सरफेस का मतलब ऐसी सरफेस जिससे हमारे लिए डेरिवेशंस करना आसान हो और सिमेट्री अवेलेबल हो हमें, ताकि हम एरिया वेक्टर आसानी से लिख पाए और सारे काम कर पाए। तो हम बेटा सिमेट्रिकल सरफेस लेते हैं, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस हम तो इतना ध्यान रखें बेटा, हमारे केस में दो तरह की सरफेसेज आती हैं, एक तो हमें इमेजिनरी सरफेस सिलेंडर कंसिडर करना होगा जरूरत पड़ने पे, और एक हमें कंसिडर करना होगा स्फीयर। तो ध्यान देंगे बेटा सभी, सिलेंडर हम जब भी स्फीयर कब कंसिडर करेंगे, जब हमें स्फीयर के लिए निकालना होगा,
फॉर स्पेयर हम कंसिडर करेंगे स्पेयर को बेटा, सिलेंडर बाकी रिमेनिंग केसेस में। तो अब बेटा बस ध्यान देंगे, बस इतना सा ध्यान रख लेंगे तो हमें सरफेस के लिए बार बार याद नहीं करना पड़ेगा कि एक थिन वायर है तो हमें सिलेंडर लेना है या क्या लेना है। तो बेटा हमें क्या करना है, सिंपल ध्यान रखो, गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होगी जो इस थ्योरम को यूज करने के लिए बनानी है हमें। सिमेट्रिकल सरफेसेस जनरली यूज करते हैं तो उसके लिए हम सिलेंडर और स्पेयर यूज करेंगे। सिलेंडर लगभग सारे केस होंगे अदर देन स्फेरिकल केस, स्पेयर होगा तो उसके केस में हम क्या यूज करेंगे, सिलेंडर को यूज करने वाले। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम गॉस थ्योरम का यूज करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और डिफरेंट के लिए हम इलेक्ट्रिकल क्या निकालने के लिए बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं हम। ठीक है, तो देखो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हम बहुत ही बेसिक डेरिवेशन से शुरू करेंगे, उसके बाद बाकी आप उससे आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको बहुत अच्छे प्रोसीजर बता दूंगा उससे फिर हम उसको क्या करेंगे आगे बढ़ाएंगे। तो देखो हमें क्या दिया हुआ बेटा, इनफाइनाइट वायर, E due to infinite wire। अच्छा एक और बात मैं बता दूं, इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा वायर है, मतलब इनफाइनाइट वायर से कुछ नहीं होता बेटा। इनफाइनाइट इज अ रिलेटिव टर्म, बहुत छोटी और रिलेटिव टर्म होती है ये। क्या ध्यान देंगे तो मेरा ये हैंड है बेटा, इसके बिल्कुल पास बहुत पास एक पॉइंट ले लूं तो क्या वो इसके लिए इनफाइनाइट की तरह होगा, बिल्कुल होगा। मानो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी, और तुम इसके बिल्कुल नीचे जाके खड़े हो जाते हो और ऐसे मानो ऊपर की तरफ देखते हो तो क्या हमें लगेगा कि ये बिल्डिंग कभी एंड ही नहीं हो रही है, तो वो हमारे लिए वहां के पॉइंट के लिए इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होती है बेटा। तो देखो शुरू करते हैं हम, इनफाइनाइट वायर का मतलब कोई वायर हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट डॉट डॉट, मतलब ऊपर काफी ज्यादा है और इससे यहाँ इस तरह से डॉट डॉट डॉट। हमें क्या दिया हुआ है बेटा, लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, ये क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आपको ये रहेगा बुक से, चार्ज डेंसिटीज पढ़ेंगे, लीनियर होती है बेटा, सरफेस होती है और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, मतलब क्या है एक मीटर में कितना चार्ज है, तो लैम्डा कूलम्ब के बराबर चार्ज है। देखो लैम्डा दी गई, हमें मान लो वायर से किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो देखो क्या करेंगे बेटा, जैसा हमने देखा पहले तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, तो वो पार्ट मैं आपको अलग से बताता हूँ। मान लो कि एक वायर है बेटा, इस पे कोई भी यहां से आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो मानो सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट कंसीडर करो, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट ले लो वायर के सेम पॉइंट पे, इससे क्या ये डिस्टेंस सेम होगी दोनों से, बिल्कुल होगी। तो बताओ बेटा इस चार्ज की वजह से, इस छोटे पार्ट में जितना चार्ज होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, इस छोटे पार्ट में जितना चार्ज है डी बोल देते हैं इसे बेटा, इसके वजह से इधर होगा डी। देखो यदि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा हो जाएंगे, इसका ऊपर कंपोनेंट आएगा डी ई साइन थीटा, इसका नीचे की तरफ आ जाएगा डी ई साइन थीटा। तो आप देखोगे तो पता चलेगा बेटा ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो वायर से दूर जाते हुए आएगा, वायर के परपेंडिकुलर, यहां से क्लियरली दिख रहा है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वायर से अवे जाता हुआ, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, प्लस आता हुआ अवे जाता हुआ, माइनस में चार्ज है तो पास आता हुआ हो जाएगा बेटा। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पता चल गई उस तरफ होगी। तो अब सिमेट्रिकल सरफेस कौन से लिए, मैंने क्या बताया आपको याद रखने के लिए, स्फेरिकल के अलावा सब में हमें सिलेंडर मानना है, तो हमने क्या किया, एक एल लेंथ का और आर रेडियस का सिलेंडर कंसिडर कर लिया। मान लिया कि उसकी रेडियस कितनी है आर के बराबर और उसकी लेंथ कितनी है एल के बराबर। तो एक छोटी सी बात बताओ, यदि L लेंथ है सिलेंडर की तो इसमें चार्ज कितना हो गया Q इनसाइड, तो बेटा Q इनसाइड हो जाएगा, ध्यान देंगे हमें लैम्डा दिया हुआ है एक मीटर का चार्ज, तो L लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा है। तो क्या गॉस थ्योरम यूज करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल पड़ेगी। तो अब यूज करते हैं बेटा, यहाँ पे देखो तीन सरफेस है सिलेंडर की, जैसे कि मैंने पहले बताया था, मान लो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड, और ये जो थर्ड सरफेस है दिस इज सरफेस थ्री। तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, गॉस थ्योरम हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताइए सही है, बिल्कुल। अब देखो ये इंटीग्रल ई डॉट डी ए हमारे पास में एक्चुअल में क्या है, डी ए सरफेस है, तो सरफेस तीन मेजर सरफेस में टूट रहा है, तो ये तीन टुकड़ों में टूट जाएगा। देखें कैसे, E dot dA for surface 1 plus E dot dA for surface 2 plus E dot dA for surface 3 is equal to lambda L upon epsilon naught।
अब बेटा ध्यान देने से भी इसके आगे थोड़ा ध्यान देने का है। देखो बेटा यहाँ इस सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हर पॉइंट पे हमें पता है वायर से इधर ही है। सिमिलरली इस सरफेस पे देखो बेटा एरिया वेक्टर ऊपर है आउटवर्ड नॉर्मल और इस पे इधर है, तो क्या दोनों सरफेस पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है बेटा 90, तो दोनों के लिए जीरो हो जाएगा ई डॉट डी डॉट प्रोडक्ट। अब इस सरफेस के लिए देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, तो कौन सी सरफेस के लिए केवल ये इंटीग्रल बचेगा, थर्ड सरफेस के लिए, बाकी दोनों सरफेस के लिए क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा, हम इसमें लिखेंगे ए डी ए कॉस 90 फर्स्ट सरफेस का प्लस इसके लिए भी वही होगा सेकंड के लिए भी कॉस 90। इसमें क्या आएगा देखो बेटा इसमें पैरेलल है तो ये आ जाएगा ई डी ए कॉस 0 बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इसको देखो डी ए तो ई तो यूनिफॉर्म है पूरी इस पे इनफाइनाइट वायर है, ई इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और ध्यान दो बेटा हम यहां पे लिख रहे हैं इंटीग्रेशन डी ए क्या हो जाएगा टोटल कर्व सरफेस एरिया, ऐसे डी ए बहुत सारे इस पे सारे डी ए को जोड़ूंगा तो क्या सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है सॉरी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कितना होता है 2πr। तो हम वो यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या आ जाएगा ये E into 2πrl is equal to lambda l upon epsilon naught। देखो बेटा l से l कट गया यहाँ पे, तो देखो क्या आया E आ गया हमारे पास में lambda upon 2π epsilon naught into r। ये तो फॉर्मूला हो गया, इसको एक अच्छी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं हम, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से नीचे भी कर दिया, तो देखो ये क्वांटिटी जो बन गई बेटा क्या बन गई 4πε0 दिस इज 4πε0 एंड वी नो 1 अपॉन 4πε0 इज इक्वल टू k सो इट बिकम्स इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r। सो दिस इज द वेरी जनरलाइज्ड फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर। इस तरह से बेटा जो भी गॉस थ्योरम का डेरिवेशन होगा हमें इसी तरह से करना है, इसको बहुत सिंपल हो जाता है, हमें एक सरफेस कंसीडर करनी है, सरफेसेस से डिफरेंट वैल्यूज लिखनी है और आगे बढ़ना है। अब इसमें हमारी बुक में एक प्लेट का डेरिवेशन दिया हुआ है, सिमिलरली बेटा मैं तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, तुम्हें इसी तरह तोड़ना है उसको। यहाँ पे मैं प्लेट के बारे में बताने वाला हूँ आपको, देखो कैसे करेंगे, दो तरह का है, एक मेटल प्लेट है और एक इनफाइनाइट सिंपल प्लेट है। तो देखो बेटा ऐसे सिंपल प्लेट जो है हमारे पास है उसमें हम क्या करेंगे कि ऐसा सिलेंडर ले लेंगे जो इसको इमेजिनरी सरफेस जो इसके आर पार बेटा इस तरह से जा रहा है बीच से, ठीक है। तो देखो यहाँ का जो एरिया है उतने उतने एरिया का चार्ज हमारे काम का हो जाएगा, मान लो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा ए है तो ये ए हो जाएगा। अब देखो फिर से तीन सरफेस, एक ये सरफेस, एक ये सरफेस और एक इधर वाली सरफेस, डायरेक्शन तो बेटा यही होगी, तो देखो अब के बार क्या होगा बेटा ये जो डायरेक्शन है इससे ए इधर है और ए इधर है, तो अब के बार इस तीन और वन और टू बोलते हैं बेटा सिमिलरली, तो अब के बार तीन वाला क्या हो जाएगा जीरो बट वन और टू वाला आएगा, क्या आएगा बेटा वन और टू, तो मान लो दोनों से बेटा आएगा वैल्यू तो ई इंटू ए और चार्ज कितना हो जाएगा यदि इस पे बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, आप सॉल्व करने की कोशिश करना ई डॉट डी ए दो की वजह से जीरो हो जाएगा, इसकी वजह से आएगा सिग्मा ए, ठीक है। देखने बेटा ई इंटू ए प्लस ई इंटू ए इज इक्वल टू टोटल चार्ज होगा सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा ए से ए कट गया तो ई आ जाएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से हम प्लेट का कर सकते हैं, सिमिलर वे में हम मेटालिक प्लेट का करते हैं, उसमें क्या होगा बेटा उसमें हम सिंगल लेंगे क्योंकि मोटी एक थिक प्लेट होगी, तो उसमें एक केस में मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, हमें याद रखना है इनसाइड अ मेटल और इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो के बराबर होता है, तो ये हमें ध्यान में रखना है बेटा। तो इस तरह से आप रिमेनिंग डेरिवेशंस कर सकते हैं, आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या फर्स्ट चैप्टर में कोई भी अदर प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। आपको और कोई तरह का वीडियो बनवाना है किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बनवाना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक पहले ले लूंगा। थैंक यू।